हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करूंगा कैसे हम अपने स्नैपचैट की डिलीटेड फ़ोटोज़, वीडियोस या कोई भी मेमोरीज हो वो रिकवर कर सकते हैं। कोई भी स्नैपचैट का डिलीटेड डेटा हो वो सारा का सारा रिकवर हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड कर सकूंगा, ये मेरा मानना है। और चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मेथड है वो आईफोन एज वेल एज एंड्रॉयड फ़ोन दोनों के लिए वैलिड रहेगा और आप दोनों ही फ़ोन्स में इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने स्नैपचैट अकाउंट में जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरा स्नैपचैट अकाउंट। और गाइस, अगर मैं बात करूँ पब्लिक प्रोफाइल की, तो यहाँ पर मेरी ऑलरेडी एक पब्लिक प्रोफाइल है। अगर आपको चाहिए आपकी भी पब्लिक प्रोफाइल हो, तो आप मतलब अपने खुद अपने अकाउंट को एक तरह से एज अ पब्लिक प्रोफाइल बना सकते हो। उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक मैं कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर सकते हो और आपके भी सब्सक्राइब बटन आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको गाइज अपना डेटा वापस लेने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर जो मेरा नंबर है या फिर जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर वेरीफाइड रहना चाहिए। आपको यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस है वो आपके फ़ोन में साइन इन होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके ही फ़ोन में साइन इन हो, आपके पास दूसरा कोई डिवाइस होना चाहिए जिसमें भी आपने साइन इन किया हुआ है, जैसे कंप्यूटर या कोई भी दूसरा फ़ोन। ओके, तो सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस ये वाला आपका वेरीफाइड चाहिए। वेरीफाइड मतलब स्नैपचैट ने उसे कंफर्म किया हो, जो OTP वगैरह आता है या फिर कंफर्मेशन मेल आती है। और गाइज, अब हमें अपना स्नैपचैट का डेटा वापस लेने के लिए जाना है सफारी ब्राउज़र में। तो अब न्यू टैब ओपन करो और यहाँ पर एक आपको स्नैपचैट सर्च करनी है, स्नैपचैट। सो गाइज, यहाँ पर आपको स्नैपचैट अकाउंट मैनेजर कुछ इस तरह से ये वेबसाइट ओपन करनी है और आपको जो है अपना जो है अकाउंट लॉग इन करना है। जैसे कि आप देख ऐड अकाउंट कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं स्नैपचैट अकाउंट आपकी इस तरह की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको जो है फर्स्ट या सेकंड, जैसे कि आप देख सकते हैं लॉग इन फॉर स्नैपचैट, इस पर जाना है। तो यहाँ पर आपको अब करना है अपना अकाउंट लॉग इन। तो सबसे पहले मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर लूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैंने कैप्चा सॉल्व कर लिया है। लॉग इन बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपको जो है accounts.snapchat.com, जैसे ही आप अपना अकाउंट जो है साइन इन कर लोगे, आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फोल्डर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। अब आपको आपको सिंपली डेटा के लिए माई डेटा के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप डेटा अवेलेबल करना चाहते हैं अपना, तो आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं डाउनलोड हो सकती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डेटा अवेलेबल इन ऐप, ये सारी सारी चीज़ें एप्लीकेशन में रहेंगी। लेकिन गाइज, जो डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, जिस भी डेटा के ऊपर टिक मार्क लगा है, वो आप सारा का सारा डेटा जो है डाउनलोड कर सकते हो अपने स्नैपचैट इस जरिए, इस मेथड के ज़रिए। तो अब आपको सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, वी रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, और अब जो है आपको मेल आएगी एक मिनट के अंदर अंदर कि आपकी जो है स्नैपचैट ने रिक्वेस्ट रिसीव कर ली है। और जस्ट आपको थोड़े ही देर में आपको जो है सारा का सारा डेटा डाउनलोड करने की मेल आ जाएगी। वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे PDF या किसी दूसरी फाइल का, आप उसे डाउनलोड करके अपना सारा डेटा यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको डेटा चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्नैपचैट डेटा इज़ रेडी फॉर डाउनलोड। तो आपको जो है सिंपली इस मेथड के ज़रिए अपना डेटा डाउनलोड कर लेना है। ये सिंपल मेथड है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। वैसे मुझे कोई डेटा चाहिए नहीं, दैट्स वाई मैं अभी दोबारा से नहीं डाउनलोड करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, इस वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।